थाना मुट्ठीगंज क्षेत्र हटिया चौराहे के पास रहने वाले नंदलाल विश्वकर्मा का छोटा सा परचून का दुकान है, जो दूसरी मंजिल पर खुद ही पूरा परिवार रहता है। और परिवारजनों के अनुसार सुबह अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण ऊपरी तल में आग लग गई। धुआं देख लोग घबरा कर घर से बाहर निकल पड़े और देखते देखते मकान से आग की लपटें उठने लगी। उस क्षेत्र में लकड़ी का कारोबार ज्यादा होता है। आग इतना विकराल रूप ले चुका था कि पास पड़ोस के लोग अन फनन में अपने अपने घरों का सामान भी बाहर निकालने लगे, क्योंकि लकड़ी के फर्नीचर के कारोबार ज्यादा होते हैं। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने जब तक आग पर काबू पाया, लाखों का सामान जलकर राख हो चुका था। फिलहाल सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक ऊपरी तल के मकान के कमरों में रखा सारा सामान जल चुका था। मुट्ठीगंज इंस्पेक्टर के अनुसार शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जो बुझा ली गई। अब स्थिति शांत है। इंस्पेक्टर ने बताया कि आग बुझाने में देरी होने की वजह नंदलाल विश्वकर्मा का मकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित नंदलाल विश्वकर्मा मकान में आग लगने से उनका सारा सामान जलकर राख हो जाने के बाद वह सदमे में है। उनका कहना है कि हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे लिए तो अब कुछ भी नहीं बचा। एक हमारा मकान ही बस हमारे पास था, जो अब पूरी तरह से जलकर राख हो गया। उनका यह भी कहना है कि उनकी एक बेटी थी, जिसके लिए मैंने कुछ सामान रखे थे, उनकी शादी के लिए गहने वगैरह रखे थे, सब कुछ जलकर राख हो गया। पीड़ित का कहना है 3 से 4 लाख का नुकसान हुआ है। शिवशंकर कुशवाहा, जिला क्राइम ब्यूरो, प्रयागराज। थे और ऊपर में बंद करके दरवाजा हम लोग आ गए थे, तो उससे क्या हुआ कि अब कैसे आग लगी, शॉर्ट सर्किट कोने से लाइन गई है मेरी ऊपर से, तो उसी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है। और शॉर्ट सर्किट की वजह से वो मेरा मकान पूरा जल के खाक हो गया है, कुछ बचा नहीं से। कहाँ लाएंगे, कहाँ खाएंगे? अब आपको कुछ मतलब रहने की अच्छाई जगह नहीं बची है? नहीं सर, कैसे बनवाएंगे, पैसा कौड़ी भी नहीं है, छोटी सी दुकान चलाते थे किसी तरह से। क्या मांग है यहाँ के जिला प्रशासन से, क्या मांग है आप? आर्थिक मदद की जाए सर, मेरा मकान भी जैसे तैसे तो पूरा गृहस्थी का सामान ही पूरा जल गया, कुछ नहीं बचा, खाने तक का नहीं है, पहनने तक का नहीं है, हम क्या पहने क्या खाएं। कितने नुकसान हुआ है? अरे कम से कम 5-6 लाख तक पूरा मकान डैमेज हो गया। अब उसको बनवाने में लगेगा सर, तो हम क्या नुकसान हुआ आपका? कम से कम 6 लाख रुपया तो होएगा ही, गहना जेवर भी सब चला गया मेरा, कुछ बाकी नहीं। लड़की के लिए बनवा के रखे थे शादी के लिए।